जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया और पार्लियामेंट में बैठी महिलाओं ने मुंह नहीं खोला, वो किस बात के लिए एमपी हैं, किस चीज़ के विधायक हैं वो लोग? जनता से गलती एक बार हुई, दो बार हुई, तो बार बार गलती नहीं करेगी जनता? जनता जाग चुकी है, फोटो खिंचाने से फुर्सत मिलेगी, ड्रेस चेंज करने से फुर्सत मिलेगी, तब तो देश के लिए सोचेंगे ना। बीजेपी और आरएसएस वालों में एक तो खासियत है, एक चीज़ की तो तारीफ करनी पड़ेगी, भाषण बहुत अच्छा देते हैं ये लोग। और हम लोग पढ़ते हैं, आप उस चीज़ की 10 में कितने नंबर? 10 में मैं कहूँगी 10 में से 100 दे रहे हैं उनको तो, ये भाषण में तो मैं कहूँगी जिनका जमीर जिंदा हो हमेशा आवाज़ उठाते हैं। प्रधानमंत्री जी को झूठ बोलने में तो मैं कहूँगी संसार में अगर कोई झूठ बोलने का एक अवार्ड होता तो कहीं नहीं जाने देते, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलता वो अवार्ड। ये जो देश बर्बाद हो रहा है इसमें आधे से ज़्यादा हाथ ये नेशनल चैनलों का है, क्योंकि उन्होंने कभी देश की सच्चाई नहीं दिखाई। जिस महिला को टीवी चैनलों ने कहा कि आंदोलन जीवी हैं, वे मेरे साथ, मैम आप लोग तो सड़कों पर आंदोलन करती थी, अब आप लोग तो बड़े बड़े जो बिल्डिंगों में मीटिंग कर रही हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए हम किसान के बच्चे हैं, हम मिट्टी में भी रह सकते हैं, हम 5-स्टार होटल में भी रह सकते हैं, हर जगह कंफर्टेबल हैं। अगर हमें प्याज और एक सूखी रोटी मिल जाए उससे भी पेट भर के रह सकते हैं हम लोग। तो हम किसान की औलाद हैं, जहाँ पर भी लगेगा कि कहीं अन्याय हो रहा है वहाँ हर जगह खड़े मिलेंगे। रही बात आंदोलन जीवी की, जो टैग दिया था, हमारी रगों में क्रांतिकारियों का खून है, और जिन्होंने टैग दिया था उनके बाप दादों ने, उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, अंग्रेजों की गुलामी की थी, अंग्रेजों की मुखबरी की थी। आज उनकी औलाद भी सरकार के तलवे चाट रही है, और गुलामी का खून उनकी रगों में है, वो हमेशा गुलाम रहेंगे। हमारी रगों में उन क्रांतिकारियों का खून है जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, देश को आज़ाद कराने के लिए अपना लहू बहाया। तो हम क्रांतिकारी हैं। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, पीड़ित परिवारों का साथ देना, किसी को आंदोलन जीवी लगता, मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ हम आंदोलन जीवी हैं। आज क्या प्रस्ताव पास किया गया, इसमें सत्यपाल मलिक जो है कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जैसे तमाम बड़े बड़े नेता आए थे। देखिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके यहाँ पे मीटिंग की गई थी, और काफ़ी हर मैं कहूँगी कि 10-12 एमपी आए हुए थे, अलग अलग सभी पार्टियों के लोग आए हुए थे यहाँ पे, और सत्यपाल मलिक जी भी थे और प्रशांत भूषण जी भी आए थे। मैं कहूँगी जिनका जमीर जिंदा हो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, जो निडर हैं वो आवाज़ उठाते हैं किसी भी पार्टी के हों, और जो जिनके अंदर गुलामी है वो चाहे महिला हों, जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया और पार्लियामेंट में बैठी महिलाओं ने मुंह नहीं खोला, वो किस बात के लिए एमपी हैं, किस चीज़ के विधायक हैं वो लोग? जो एक औरत को नंगा करके घुमाया गया और उसके बाद मुंह ना खोल रहे हों, ऐसे लोगों से तो अच्छा कि मारी जाए वो। वे तो कह रहे कि जनता ने हमको चुनकर भेजा है ना, देश का शहंशाह हम ही लोग हैं। गलती हुई ना जनता से, ये शहंशाह कोई जिंदगी भर के लिए थोड़ी है। जनता से गलती एक बार हुई, दो बार हुई, तो बार बार गलती नहीं करेगी जनता? जनता जाग चुकी है, और बार बार अगर ये ईवीएम में घोटाला कर करके अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसका भी इलाज किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। सत्यपाल मलिक साफ तौर पे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत खतरनाक व्यक्ति है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस सत्ता के लिए राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं। देखिए आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ हुआ किसी धर्म को बदनाम करने के लिए अपने ही लोगों को जिंदा जलवा दो या पुलवामा जैसा करवा दो, मतलब अगर ये इनका हाथ नहीं है, ये निर्दोष हैं, तो आज तक पुलवामा पे जांच कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? अगर बनाई है तो उसमें कौन कौन सदस्य हैं, कहाँ तक जांच कमेटी पहुँची? अगर ये उसकी जांच ही नहीं कराएंगे तो सारा देश आरोप लगा रहा है। सत्यपाल मलिक जी ने जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने? अगर प्रधानमंत्री जी अगर मोदी जी बहुत बिजी आदमी हैं, विदेश दौरे पर जाना होता है, और ये छोटे छोटे मुद्दे कैसे ध्यान देंगे? फोटो खिंचवाने से उनको फुर्सत मिलेगी, फोटो खिंचाने से फुर्सत मिलेगी, ड्रेस चेंज करने से फुर्सत मिलेगी, तब तो देश के लिए सोचेंगे ना। जवानों तो कह रही हैं, रूपकल यागत कह रही है, मेरा प्रधानमंत्री हो जिसके पास दुनिया के तमाम बड़े बड़े दिग्गज फोन करते हैं, मेरा प्रधानमंत्री हो कि जिसे ऑस्ट्रेलिया का पीएम कहता है मोदी इज द बॉस। प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो एक धोती में घूमते थे, प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे जो इतने पढ़े लिखे होके भी, उस टाइम लोग कहते थे कि अरे वो चुप हैं, मोम की गुड़िया हैं, कोई कुछ कहता हाँ। था, और जैसे ये आए तो हमें लगा जो ये बोल रहे थे ना बहुत अच्छा भाषण। बीजेपी और आरएसएस वालों में एक तो खासियत है, एक चीज़ की तो तारीफ करनी पड़ेगी, भाषण बहुत अच्छा देते हैं ये लोग। और हम लोग पढ़ते हैं, आप उस चीज़ की 10 में कितने नंबर? 10 में मैं कहूँगी 10 में से 100 दे रहे हैं उनको तो, ये भाषण में तो
और जो वो बात झूठ बोलने में जो झूठ बोलते हैं ना, इतनी सफाई से झूठ बोलते कि उनके चेहरे से वो झलकने नहीं देखते। प्रधानमंत्री जी को झूठ बोलने में, तो मैं कहूँगी संसार में अगर कोई झूठ बोलने का एक अवार्ड होता तो वो कहीं नहीं जाने देते, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलता वो अवार्ड। इतनी साफ से झूठ बोलते कि उनको चेहरे से किसी को पता ही ना चले, मतलब कितना इंसान नीचे गिरेगा एक कुर्सी बचाने के लिए आप कितना झूठ बोलोगे देश से। पुलवामा पर पूरी बैठक की गई, तो क्या लगता है पुलवामा जो था ये सियासी फायदे के लिए करवाया गया या सिक्योरिटी जो तमाम एजेंसियां थी वे फेल हो गई थी और एकाएक पुलवामा हो गया? देखिए अगर इंटेलिजेंस फेल हो गई थी तो सरकार क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस ऐसा नहीं कि वो अपने आंखें कान बंद के सो रही थी। अगर उन्होंने रिपोर्ट दी है तो किसको दी है, और जिनको दी उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? गलती तो है किसकी है, वो जांच का विषय है ना, तो जांच करे ना सरकार। अगर सरकार चाहती है कि सरकार की कोई गलती नहीं है, साफ सुथरी है, तो दोषियों को ढूंढ के निकालना किसकी जिम्मेवारी? हो सकता है तमाम एजेंसियां उस वक्त सो रही हों, उनके जो चीफ थे सो रहे हों, थक गए हों ज़्यादा काम करके, पता नहीं चल पाए उन लोगों को। बातों से नहीं लगा, अब ये जो संदीप जी ने, ये अपने संजीव जी ने जो बताया कि पहले से उन्होंने ये हवाई जहाज से जो लोग जाते थे आते थे सैनिक, उनका पहले से बंद कर दिया जाना, उस रोड पे ज्यादा गाड़ियों का ना निकलने देना, एक साथ कहीं ना कहीं साजिश का एक हिस्सा नजर आ रहा है, साजिश की बू आ रही है। साजिश करने वाला कौन है ये जांच के बाद पता चल जाएगा। फरवरी 2019 में पुलवामा करवाया गया और अप्रैल और मई के महीने में पूरे देश में आम चुनाव हुए थे 2019 में। प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से कहते हुए, हमने भी सुना वीडियो, आपने भी सुना होगा कि जो पुलवामा में शहीद हुए हैं उनके नाम से इन्होंने वोट मांगे, तो कितनी शर्म की बात है कि देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं, उन बेटियों को जिनके पापा का साया गुजर गया, जिनकी सिंदूर उजड़ गया, जिनकी माँ का बेटा चला गया, उनके कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, और प्रधानमंत्री जी उनकी लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। सत्ता में आने के लिए किया जाता है कैसे भी, कितने क्या चाहिए सत्ता में आने के लिए आपको? प्रधानमंत्री जी बन गए ना देश के, एक बार दो बार बन गए। बीजेपी वाले कह रहे राहुल गांधी अभी अपनी पप्पू की छवि चमका रहे हैं, उन्हें तो पहले पप्पू घोषित कर दिया गया कुमार विश्वास के द्वारा, राहुल गांधी पहले उससे निकले तो बाहर, अभी भी लोग पप्पू कहते हैं। इंसान के अंदर जो चीज होती है ना वो ही उसकी बाहर आती है। प्रधानमंत्री जी को कभी आपने भाषण देते हुए या पार्लियामेंट में बोलते हुए लगा कभी कि वो हमारे देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं? कभी ऐसे ऐसे हरकतें, कभी कैसी कैसी, या हमेशा विपक्ष को ही कोसना? अगर उनको इतना ही भाषण का शौक था तो फिर प्रधानमंत्री की ना बनके बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते, जो आरोप लगाते टीवी पे बैठ के खूब डिबेट करते। प्रवक्ता तो पहले थे, प्रवक्ता तो पहले थे, अभी भी उन्होंने वो आदत छोड़ी नहीं है, अभी भी उनके मन में दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्रवक्ता ही है। आज मैं ये कहूंगी कि 8 सालों में आपने कितनी बार मोदी जी के मुंह से नेहरू ने ये किया, गांधी परिवार ने ये किया, अरे इससे बाहर निकलो, जनता आपको लाई है तो आप कुछ करके दिखाओ, आप ऐसा काम करो कि दूसरों की तरफ ध्यान ही न जाए जनता का। बट किया क्या, देश बर्बाद किया, बेरोजगारी देश में, भूखमरी, महंगाई 1100 से ज़्यादा का सिलेंडर हो रखा है, अब स्मृति ईरानी चुप क्यों है? सिलेंडर वगैरह बहुत छोटा मुद्दा है, बहुत छोटा मुद्दा है, पाकिस्तान कांप रहा है और यहाँ पर एक आदमी जो है कि वो योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगा करके हत्या कर रहा है मुसलमानों का, इन सब मुद्दों पर बात कीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, कौन बात कर रहा है? जो अंधभगत हैं, और उसमें अंधभगतों को अंधभगत किसने बनाया? मीडिया ने, नेशनल चैनलों ने। ये जो देश बर्बाद हो रहा है इसमें आधे से ज़्यादा हाथ ये नेशनल चैनलों का है, क्योंकि उन्होंने कभी देश की सच्चाई नहीं दिखाई। वो जो टीवी देख रहा है, जो लोग घर से बाहर कभी निकले ही नहीं, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं गई, वो सारा दिन टीवी की जो बातें सुनती है, तो वो कहते 100 बार एक झूठ को बोलोगे तो सच नज़र आने लगता है। महिला हैं मणिपुर में, जिस तरीके से बेटियों को नंगा किया गया, इसके बाद उनसे परेड करवाया गया, और क्या लगता है कि मणिपुर पार्ट 2 अब हरियाणा में हो रहा है, नूह को, मेवात को, गुड़गांव को जलाने की कोशिश की जा रही है? हरियाणा के लोग जाग चुके हैं, हरियाणा भी ऐसी गलती नहीं करेगा, इनके झांसे में आने वाला नहीं है हरियाणा, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा ने 2016 में देख लिया। और मुझे लगता है मणिपुर पार्ट 2 हरियाणा में आ चुका है, शुरुआत थी, कोशिश थी, कोशिश थी, लेकिन आज हरियाणा के युवा जाग चुके हैं, बुजुर्ग तो जागे हुए थे, बुजुर्ग तो पहले से ही समझा रहे थे बच्चों को, लेकिन युवा बातों में आ गया था, लेकिन अभी हरियाणा का युवा जाग चुका है। कैसे किसानों के ऊपर इन्होंने गाड़ियां चढ़ाई थी, तो किस जो इन्होंने 13 महीने सड़कों में बैठ के जो इनके जुल्म सहे हैं, तो हरियाणा जाग चुका है, हरियाणा मणिपुर वाला काम होने नहीं देगा अपने हरियाणा में। तमाम लोग कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ आंदोलन होता आप वहाँ पहुँच जाती हैं, आजकल आप बेरोजगार हैं तभी यहाँ पर आ गई, इसका क्या है जवाब आपके पास?
मैं ये कहूंगी कि जहां भी अन्याय होगा वहां सुदेश पहले भी खड़ी रही थी, आज भी खड़ी है, आगे भी खड़ी मिलेगी। जिसकी माँ ने जितना जोर लगाना लगा लें, किसी की माँ ने दूध पिलाया तो रोक के दिखा दे। आप करते रहिए आंदोलन, बीजेपी 24 तैयारी कर रही है, 350 पार सीटें ला रही है। हम जहाँ मैंने बोला अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, उनका काम है देश को बर्बाद करना, हम देश को बचाने की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। आज नहीं तो कल देश का बच्चा बच्चा जागेगा और देश के लिए खड़ा होगा। जनता कैसे भरोसा करेगी? देशभक्त वे लोग हैं, देश के हित में वे लोग काम करते हैं, आप लोग तो देश को तोड़ने काम करती हैं, आपको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहा जाता है। जिन्होंने जितने आरोप लगाने लगाइए ना, खालिस्तानी का है, आतंकवादी का है, जितने आरोप लगाने हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है, दिल जानता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो हमें इधर उधर की सुननी नहीं है, सीधे चलना है। जहां अन्याय हो रहा वहां हम जाके खुट्टा गाड़ेंगे। और जो हरियाणा को जलाने की कोशिश है ये नाकाम होगी? नहीं जलने देंगे हरियाणा को। हरियाणा के लोग जाग चुके हैं, हरियाणा का भाईचारा सरकार पहले खराब कर चुकी है, जाति के नाम पे बंद कर दिया गया, गाड़ियों के आके हवाले कर दिया गया। हरियाणा के सभी लोगों से, जो पंचायती लोग हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ, अगर सारे हरियाणा की पंचायतों के खापों के प्रधान इकट्ठे होके नू में मेवात में जाएं और वहाँ जाके अपने भाइयों को और अपना भाईचारा दिखाएं। जो सरकार चाहती है कि अपने हरियाणा में मणिपुर वाला काम करना चाहते हैं, उसको मत होने देना। हरियाणा के जितने भी जागरूक लोग हैं, जितने भी पंचायती लोग हैं, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, सारे एक होके मेवात की तरफ ध्यान दीजिए, हमें हरियाणा को दोबारा जलने नहीं देना है। तो थैंक यू मैम बातचीत करने के लिए। तमाम लोग हैं कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वे लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि मणिपुर पार्ट टू हरियाणा में लाने की कोशिश की जा रही, लेकिन जो जागरूक लोग हैं वे लोग किसी भी कीमत पर हरियाणा को नहीं जलने देंगे। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।